गुजरांवाला आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का पांचवां सबसे बड़ा जिला। बचपन ही से इस शहर के साथ मेरा एक बहुत पुराना नाता रहा है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की नहरें, यहाँ के खाने और सबसे बढ़ के यहाँ के लोग यकीन करें तारीफ के काबिल हैं। वैसे तो इस शहर की बहुत सारी खसूसियात हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन सब खसूसियात में से एक सबसे अहम खसूसियत पर, चावल की फसल। जी हाँ, गुजरांवाला चावल की पैदावार के लिहाज से हाफिजाबाद के बाद पंजाब का दूसरा बड़ा जिला है। मना सबसे ज्यादा जो है ना रकबा महंगाई है, बाजी के हिसाब से भी ला ले, जरी के हिसाब से भी, जरी के हिसाब से नहीं गा चावल गंदम सबसे ज्यादा रकबा महंगाई है। सारों में ज्यादा चावल नशहरा तहसील में ना जेड़ा सबसे ज्यादा चावल उड़ा होगा, किसी पास नहीं होने का। बड़ी दूर दूर तो रसी नशहरा मंडी में गंदम भी आवा चावल भी आवा हर फसल उसी का आवा। इधर पानी जरा ना बाफर मकदार से है साढ़े को, यानि कि सस्ता पानी मिलता है, मोटर लगिया ने ट्यूबवैल भी सस्ता पैदा इधर, इस वजह तो इधर चावल की ज़्यादा काश्त होंगी है। फिर इधर चावल जरा मशहूर है साढ़ा गुजरात। अच्छा। पानी की वजह है अपने मोटर लगा रखी, हीटर दा रखे मर ले आज से अपना मुंजी ला ला और तो कोई फसल आते नहीं, बारिश में और फसल तो नष्टी मुंजी हो जाला करा कणक हो जाएगी। गुजरांवाला में ट्यूबवेल जो है ना वो रोजाना की बुनियाद पे चलते रहते हैं, क्योंकि हर बंदे के पास मुरब्बों की शक्ल में, किलो की शक्ल में, एकड़ में जो है ना वो यहाँ पर जमीनें होती हैं। तो ज्यादातर जो फसल जो यहाँ काश्त की जाती है वो चावल की फसल है। तो चावल की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसीलिए ट्यूबवेल जो है यहाँ पर सारा सारा दिन चलते रहते हैं। बिहारी के अंदर तो हम ट्यूबवेल के लिए तरस जाते थे भाई, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, ट्यूबवेल चलता ही नहीं मिलता था। लेकिन गुजरांवाला के अंदर आप जहाँ नजर दौड़ाएंगे हर एकड़ के बाद, हर जो है वो जमीन के बाद आपको एक ट्यूबवेल नजर आएगा। बारिश का जरा पानी है ना बारिश वाला, वो नहर के पानी नालों भी तो ट्यूबवेल के पानी नालों भी वो बड़ा ताकतवर है। जो बारिश का पानी होता है ना तो फसल के अंदर गोभ के बिच पानी पैंदा है तो फसल उठता है फुलदा है। बारिश का पानी जरा नहरी नालों ट्यूबवेल नालों ताकतवर है। चावल जरा ये भी अच्छा है कोई, वैसे तो जिम्मे गल जिते कोई बैठा है वो उइयो कश्मीर है, उन्हें अपनी सिफत करनी होंगी, पर नहीं जरा चावल का जायका जोड़ा है ना गुजरांवाले तो या होर उरां पर लाइए ना जरा नारोवाल नारंग मंडी इंडिया वाली साइड से लाइए उन्हों का चावल का जायका भी अच्छा है, चावल भी अच्छा है सारे इलाके। अच्छा अच्छा शिवपुरे तक जी सा जाता है, पहले तो हाथों ही कम होंगे सारा, फंडनी भी है कटनी भी है। अच्छा मेहनत लोग दिन रात करते हैं। अच्छा हम तो सहूलत बड़ी हो गई मशीन की, अच्छा हर तरह की मशीन आ गई, वो कट्टन वाली भी आ गई, पहले नंबर से लाने वाली भी मशीन आ गई मुंजी होना चाहिए। अच्छा 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 हूँ कट्टन वाली भी आ गई, हूँ फंडन वाली भी आ गई, हूँ तो एक काम वास्ते कि मशीन बन गई। अच्छा ये ना ये सीन ये है कि यहाँ से ये उखाड़नी है, उसके बाद यहाँ से उखाड़ने के बाद ये कहीं जाके लगानी भी है, तो फिर जाके ये चावल की फसल होगी। ये उखाड़ रहे हैं और एक ही लागे दिखा रहे हैं। अच्छा ये उखाड़ ली जड़े से लेता है, जड़े साथ है। अच्छा जड़ के साथ उखाड़ लिया तो वैसे नहीं चलेगी। अब उसके साथ उधर पहले चार है, फिर पहले चार। अच्छा तो ये वैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको कैसे लगानी है, ऐसे लगेगी। अच्छा फिर इसमें खाद डाली जाएगी। अच्छा फिर इसमें दवाई डाली जाएगी। अच्छा उसके बाद फिर पानी लगेगी। अच्छा पानी पानी हो जाएगा। निकालनी कैसे पहले निकालें तो बताएं। अब ये फिर सड़े जड़े सौ ठीक है, मतलब ये कोई तरीका है इसका ऐसे का नीचे से निकाल नीचे ऐसे नीचे अरे साफ करने के लिए ठीक है, फिर ये पानी के साथ साफ भी करने बिल्कुल साफ करके देखिए ऐसे 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 ये।
अच्छा इसका गुच्छल बना के फिर आप बकायदा लेके जाते हैं। ये खाने सौखे में भाई बड़े। अच्छा वैसे यही है, खाना बहुत आसान है, काम करना। इतनी गर्मी में आप कैसे काम कर लेते, इतनी मजदूरी है भाई। अच्छा ये ऐसे कर लिया, आप एक एक करके लगाना भी ऐसे ऐसे लगेगी भी ऐसे ही। अच्छा लगेगी भी ऐसे। और ये फासले के साथ लगानी है। तो इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस, चीज का मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे लगाना है। उन्होंने बताया कि 9 इंच के फासले पे रखना है इस फसल को। अगर ज्यादा साथ रखेंगे तो क्या इशू होगा? मोटा हो जाएगा, फले देगा, पैदावार कम। अच्छा अगर ये ज्यादा साथ रखेंगे ना इस फसल को तो पैदावार कम होगी, वो फल इतना देगी शायद। इसका जब पौधा तैयार होगा ना पौधा जी जी, इसकी निस्बत होगा, इसकी निस्बत। अच्छा ये एक एक लगाना, ये अच्छा एक लगाया है, जब तैयार होगा फिर ऐसे होगा। ठीक है ठीक है, मतलब फिर भी गुच्छल की शक्ल में बन जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बचपन के अंदर ना ऐसे पंगे बहुत सारे लिए हैं, लेकिन आज बड़ा हो गया हूँ और बड़ा होके वापस अपने उस वो कह सकते हैं कि बचपन में वापस आया तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल अभी कपड़े इतने गंदे नहीं हुए हैं, लेकिन कपड़े गंदे हो भी जाएं तो वो क्या कहते हैं, दाग अच्छे होते हैं। यूँ इसका सीजन होगा हाँ, यह लग जाए तकरीबन 3 महीने में लग जाए, हाँ 6 महीने में तैयार हो। बीज हो आयु न्यारा न्यारा 86 का बीज है, सुपर का है, जोन सा लगानी हुआ जिसने जोन सी सही लगा वो लगा लो। हम इस टाइम में 86 भी लगाना है। एक एकड़ जोन साथ हम कितने टाइम में लगा लो एक एकड़? बस बंदों के साथ था भाई, जितनी देर लगा है बंदों पर डिपेंड कराना यूँ हाँ। जितनी देर में लगा, घंटे में भी लग जाए, डेढ़ में भी लग जाए, ठीक है। 8 बंदे हो घंटे डेढ़ में ला दें आराम से, ठीक है। जाइर रात में तो ठीक है, सुबह 10 बजे आई जा, 8000 रुपया लवाई 8 जने आ, तो 7-8 किले कड आई, शुक्र अल्लाह का। जून च शुरू होता तो जुलाई च खत्म हो जाता भरावा, डेढ़ महीना लगती है। उस तो बाद दुबड़ा ही पाड़ना, फिर मुंजी की रह गई भरावा, हम तो खा भी रह गया मुंजी का है, जिनी महंगाई हो गई भाई, मुंजी लवाने वाले अंदर ने लवानी नहीं है। चावल का जड़ा यू जुआ है, यू जुआ है, एक मिसाल है गोरमेंट हलचल में हो रही, एक जिमीदार इतना महंगा खर्चा लग रही करन, दिल करा जिस टाइम चावल तैयार हो जा मुंजी का रेट टूट जा, आगे ना जाएगा चावलों का रेट बढ़ जा, ये गवर्नमेंट के हिसाब का है। जी असल गल है कि बचत जिन्हें ठेके से लैनी है वह हिसाब किताब पूरे होने, 1 लाख रुपया ठेका होया, ठीक है, एक एकड़ का 1 लाख रुपया ठेका, तो जरा जिमीदार ठेके से बनता उन्हें 50,000 यह होना फसल से 1.5 लाख से बन गया, उस तो अलावा फिर जो कटाई कोई होंगी वो भी खर्चे पे जो ठेकेदार है उन्होंने थोड़ी जी डी प्रॉफिट नहीं, जो मालिक है आप उन्होंने ज्यादा आ जाती ये होंगे कि गरीब जरा है ना वो तो अपना मजदूरी वाला हिसाब होंगे, उन्हें अपनी मजदूरी करनी, हूँ जिन्हें रकबे के मुरबे के हिसाब ने लवानी है, व्डे व्डे बंदे है उन्होंने फायदा होंगे। अच्छा आमिल भाई आप क्यों खा रहे हैं यहाँ से? जोना वगैरह लगाना तो इसलिए ये बाग में तंग करता है बहुत ज्यादा फिर। अच्छा चावल की फसल लगाने तो मतलब ये चीज जो है ये एक जड़ी बूटी है जी, ये तंग करती है बाद में कि ग्रोथ नहीं होती चावल की फसल की जी। इस ट्रैक्टर की वजह से फसल के अंदर जो है वो कद्दू किया जाता है, जिसकी वजह से वो फसल ग्रोथ करती है। अगर आप इसके ट्रैक्टर के टायरों की तरफ देखेंगे तो टायर जो है वो बिल्कुल मिट्टी से भरे पड़े हैं, क्योंकि ये बकायदा जब ज़मीन के अंदर चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक धंस जाते हैं, इसके लिए काफ़ी लोहे के जो है ना वो वायर टाइप होती है उनको यूज़ किया जाता है ताकि कद्दू अच्छी तरह हो सके, इसके पीछे बकायदा हल लगाया जाता है। तो ये एक तरीका है कद्दू करने का, जिसकी वजह से जो चावल की फसल है वो अच्छी तरह ग्रोथ करती है। तकरीबन सालों को 30-40-35 साल हो गए हैं, साडे वाल साहब जिहड़े सी उह वी काश्तकार करदे सी चौलां दी, अगों फिर उह अल्लाह नूं प्यारे हो गए, अगों फिर असीं इस काम च वड़ गए, ते सानूं वी बड़ा अरसा हो गया अपना जिमीदार और अपना करदिआं नूं। ऐ वाह जिमीदार लोग, हमने इस तला वा कारोबार कोई नहीं आता है, जिमीदार का अपना ही भाई या डंगर बच्चा है बस, और इस तबाद दुख क्या बना, दिहाड़ी मजदूरी कर लो भाव नहीं होंगी। मजदूर बंदे आए करते आ रहे शुरू था, मन तो अच्छा लगा काम करते हो, कर का खुश भी हो मैं कि सुबह टाइम फजर टाइम उठ के अपना अपने रोजी कमा रहे।
गुजरांवाला पाकिस्तान की जरखेज तरीन जमीन है जिसका सीना सोना उगलता है। गुजरांवाला के शहर कामोगी को हाफजाबाद के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिटी ऑफ राइस भी कहा जाता है। मैंने अपनी उम्र का एक ख़ास हिस्सा इस सरजमीन को दिया है। ये ज़मीन सिर्फ चावल ही पैदा नहीं करती बल्कि दोस्त, रिश्ते और मोहब्बत भी पैदा करती है, और इस सरजमीन की यही खासियत मुझे अपनी तरफ खींचने पर मजबूर करती है।